स्पोर्ट्स एनालिसिस के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इंडिया पहला मैच हार गई ऑस्ट्रेलिया के साथ, बहुत ही बुरा लगा। आप लोगों को भी बुरा लगा होगा जितना मुझे लगा। लेकिन दोस्तों, एक थोड़ी सी रिलीफ की बात यह है कि हम तो हारे ही हैं, लेकिन पाकिस्तान भी अपना पहला जो T20 इंटरनेशनल था इंग्लैंड के साथ, वो भी हार गई। तो दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया लगभग एक ही लेवल में है सीरीज, वो भी 1-0 से पीछे और इंडिया भी 1-0 से। तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया के सेकेंड T20 में वो क्या पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए जिसकी वजह से इंडिया सेकेंड T20 जीत सकती है। अब जीत जाएगी इसका तो मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हिसाब से जो कुछ चेंजेस होने चाहिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे हिसाब से सबसे पहले रिप्लेस होने चाहिए उमेश यादव, और उमेश यादव की जगह पे आने चाहिए जसप्रीत बुमराह, अगर वो फिट है, अवेलेबल हो तो। अब जबरदस्ती बुमराह को खिलाने जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट मैचेस नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ने भी अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट दिया हो, तो इंडिया को भी जसप्रीत बुमराह को तभी खिलाना चाहिए जब वो फुल्ली फिट हो। इसके बाद दोस्तों, मैं जो सेकंड चेंज देख रहा हूँ टीम इंडिया में, मेरे हिसाब से दोस्तों कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक को ड्रॉप करके ऋषभ पंत को लाना चाहिए। अब दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ, देखो फैक्चुअल चलते हैं, अगर आप डेटा को भी देखें तो दिनेश कार्तिक ज़्यादा अहेड नहीं है, ऋषभ पंत के आसपास ही है। अगर IPL के बेसिस पे जाना चाहेंगे तो वो बात अलग है। दोस्तों, ये IPL नहीं है, इंटरनेशनल है, और इंटरनेशनल क्रिकेट का ज़्यादा अनुभव देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी या किसी भी टीम के खिलाफ, तो ऋषभ पंत को ज़्यादा, और ऋषभ पंत लगभग दिनेश कार्तिक के बराबर ही है, तो ऋषभ पंत के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे दिनेश कार्तिक इतने इफेक्टिव नहीं लग रहे, सॉरी बट नहीं लग रहे तो नहीं लग रहे। ठीक है, ये दो चेंजेस होने चाहिए। अब इसके बाद बात करें, बॉलिंग यूनिट काफ़ी वीक लगी है, तो अगर जसप्रीत बुमराह आते हैं तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट जरूर नजर आएगा। लेकिन अगर एक चेंज की बात करूँ तो मैं दीपक चहर को भी ला सकते हैं, 50-50 मतलब ला सकते हैं, जरूरी नहीं है लाना, लेकिन एक 50-50 चांस है कि ला सकते दीपक चहर को। मेरे हिसाब से ये 3 रिप्लेसमेंट होने चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं स्पोर्ट्स एनालिसिस के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।